हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल जो मैंने पढ़ाया था आनुवंशिकता के संबंध में कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, इनका क्या कारण होता है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं और आनुवंशिकता संबंधी मेंडल ने कैसे प्रयोग किए थे और कैसे वे सफल रहे तथा आनुवंशिकता से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियों को मैंने परिभाषित किया था। आज हम बताएंगे आनुवंशिकता संबंधी ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता संबंधी तीन नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन नियम हैं, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी की संतानों में प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब परस्पर एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर एक जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतान में प्रभावी लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी अप्रभावी, जैसे मटर का लाल पुष्प और सफेद पुष्प, यानी लाल पुष्प वाली मटर और सफेद पुष्प वाली मटर, ये दोनों रंग एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, जिसमें लाल रंग प्रभावी होता है और सफेद रंग अप्रभावी होता है। जब लाल पुष्प वाली मटर और सफेद पुष्प वाली मटर के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो संकर संतान प्राप्त होती हैं उनमें लाल रंग ही दिखाई पड़ता है, अर्थात लाल रंग के ही पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो लाल रंग दिखाई देता है या पहली पीढ़ी की संतान में दिखाई पड़ता है, आता है, इसलिए इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैंने दो दिया है, एक है लाल पुष्प और सफेद पुष्प का और एक है लंबा तना और बौने तने का। इसको आप इसके माध्यम से समझें जरा। ये देखें, दिखाई दे रहा है आनुवंशिकता संबंधी मेंडल के नियम। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम,
तीसरा स्वतंत्र अभिव्यन का नियम। अब नीचे देखिए, मैंने ये बनाया है समझाने के लिए, इसको समझें। शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद, ये गुणे का निशान का मतलब क्रॉस संकरण कराया जा रहा है, और शुद्ध लाल के नीचे लिखा है आर आर, कैपिटल आर आर, कैपिटल आर आर ये जीन है शुद्ध लाल की, और इधर लिखा है स्मॉल आर, दोनों ये शुद्ध सफेद के हैं। चिन्ह बना है स्मॉल आर के बगल में, वो फीमेल का चिन्ह बना है, और जो कैपिटल आर है उसकी तरफ पर जो चिन्ह बना है वो मेल का चिन्ह बना है। फिर वहां लिखा है पैतृक पीढ़ी, यानी ये पेरेंट्स हैं। शुद्ध लाल पुष्प वाली मटर और शुद्ध सफेद पुष्प वाली मटर के बीच में संकरण कराया जाता है, तो आप देखेंगे नीचे, यानी जो पहली पीढ़ी है उसमें क्या दिखा रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी एक जीन जो है कैपिटल आर है लाल का है और एक सफेद का है स्मॉल आर। जब दोनों जीन भिन्न भिन्न तरह के हैं तो इस तरह के युग्मनज को विषम युग्मनज कहते हैं, और यह जो पहली पीढ़ी की संतान है यह संकर है, हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दोनों के ही जीन हैं। लेकिन लाल रंग केवल दिखाई पड़ता है, इसलिए लाल रंग प्रभावी है और सफेद अप्रभावी है। यानी जब शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद मटर के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संतानें कैसी होती हैं? लाल पुष्प वाली होती हैं। तो क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वही पहली पीढ़ी की संतानों में दिखाई पड़ता है, और जो अप्रभावी है वह क्या करता है? छुप जाता है। तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है मटर के तने का, कि शुद्ध लंबा तना वाली मटर और शुद्ध बौना तना वाली मटर के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबापन का जो गुण है वह प्रभावी लक्षण है और बौनापन का अप्रभावी लक्षण है। तो प्रथम पीढ़ी की संतान में लंबापन का गुण आता है, यानी सभी संतानें लंबी प्राप्त होती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स इसका, देखिए शुद्ध लंबा शुद्ध बौना दिखा है, तना है ये, इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी लंबा को कैपिटल टी से और बौने को स्मॉल टी से, और कैपिटल टी के बगल में प्रभावी लिखा हुआ है कि लक्षण प्रभावी है, और स्मॉल टी के बगल में लिखा है अप्रभावी, और ये अप्रभावी फीमेल है और ये मेल है। तो जब शुद्ध लंबे तने वाली मटर का क्रॉस शुद्ध बौने तने वाली मटर से कराया जाता है तो क्या होता है? पहली पीढ़ी में सभी संतानें लंबे तने वाली प्राप्त होती हैं। ये सभी संतानें कैसी होती हैं? लंबे तने वाली, यानी कि जो लंबापन का गुण है वह प्रभावी गुण है, क्योंकि लंबापन वाला गुण ही उसकी संतानों में आता है। तो इस तरह से प्रभाविता के नियम के लिए दो एग्जाम्पल्स मैंने बताया है। पहला
कौन सा, लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाली मटर के बीज क्रॉस कराने से प्रथम पीढ़ी की संतान में सभी लाल पुष्प वाले मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लाल रंग प्रभावी लक्षण है, इसीलिए प्रथम पीढ़ी की संतान में आता है, और सफेद अप्रभावी है इसलिए छुप जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल ला है कि लंबा तना और बौना तना वाले मटर के बीज जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी की संतान में सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी की संतान में दिखाई पड़ता है। अब है दूसरा नियम बच्चों, पृथक्करण का नियम, या इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस नियम में क्या है, सुने इसको, कि जब एक जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षण वाले एक जाति के दो सदस्यों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब प्रथम पीढ़ी की संतानों में स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी की संतानों में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। दूसरी पीढ़ी की संतानों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब प्रथम पीढ़ी की संतान में जब स्वयं परागण कराया जाता है तो इनके जो युग्मक बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं और वो युग्मक शुद्ध बनते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसके लिए भी जो एग्जाम्पल्स है वही हम लेंगे कि लाल पुष्प वाली मटर और सफेद पुष्प वाली मटर के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी की जो संतान है सभी लाल पुष्प वाली प्राप्त होती हैं, क्योंकि लाल रंग है, एक प्रभावी लक्षण है वो दिखाई पड़ता है, और सफेद रंग अप्रभावी लक्षण है वह दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनमें स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी में अगर चार संतान उत्पन्न होती हैं तो उसमें एक शुद्ध लाल, दो संकर लाल और एक शुद्ध सफेद प्राप्त होती है, यानी शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसमें लाल और सफेद के बीच का जो अनुपात होता है बच्चों, यानी लाल रंग कौन सा है, प्रभावी, और सफेद रंग कौन सा है, अप्रभावी, तो प्रभावी और अप्रभावी के बीच जो अनुपात आता है वह 3:1 का आता है, यानी 3:1 का आता है। अब इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा आप देखें, यहाँ पर मैंने इसे बनाया है तो इसको समझें कि कैसे है ये। ये देखिए, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यहां पर लिखा है शुद्ध लाल, शुद्ध सफेद,
सो दलाल को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, सो द सफेद को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और गैमिट बनते हैं तो यहाँ पर यानी जब गैमिट बनते हैं बच्चों तो अर्ध सूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसलिए नीचे को कैपिटल आर लाल का जो जीन है और इधर जो है स्मॉल आर दोनों आपस में मिलती हैं तो प्रथम पीढ़ी की जो संतान उत्पन्न होती है वहां लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यह संकर लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी के। और जब देखिए क्रॉस करके लिखा हुआ है स्वयं परागण, यानी संतानों का आपस में ही परागण कराया जाता है। तो अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर का जो बाएं तरफ का है इसमें जब गैमेट बनेंगे तो दोनों अलग अलग, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और इधर भी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, यानी एक तरफ आप देख लें कि वह मेल है और दूसरे तरफ का क्या है फीमेल है पौधा। तो अब हर मेल का जो है फीमेल दोनों फीमेल के साथ क्या होगा संयोजन होगा। तो आप चित्र में देखिए कि कैपिटल आर जो पहला है यह फीमेल के कैपिटल आर से क्रॉस होता है तो कैपिटल आर बनता है, और फिर इस कैपिटल आर का फीमेल के स्मॉल आर से क्रॉस करता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है, फिर मेल का स्मॉल आर फीमेल के कैपिटल आर से तो बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर मेल का स्मॉल आर फीमेल के स्मॉल आर से संयोग करता है तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरह से दूसरी पीढ़ी में आप देख रहे हैं जहां एफ टू लिखा है तो कैपिटल आर यानी शुद्ध लाल, कैपिटल आर स्मॉल आर संकर लाल, और स्मॉल आर ये क्या है शुद्ध सफेद। आप ये देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी की संतान में केवल लाल रंग दिखाई दे रहा था, सफेद रंग छुपा हुआ था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में लाल और सफेद दोनों अलग अलग होते हैं और उनका अनुपात है क्या 3:1 यानी 3:1 का ये अनुपात है किसमें प्रभावी और अप्रभावी में लाल रंग। अब एक चीज लिखा है बच्चों फीनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। फीनोटाइप मैंने कल बताया था बाहर से दिखाई पड़ने वाले लक्षणों को फीनोटाइप कहते हैं, जैसे लाल रंग या सफेद रंग बाहर से दिखाई पड़ता है, यानी पुष्प लाल है या सफेद यह दिखाई पड़ता है। तो लाल और सफेद रंग के बीच का जो रेशियो है वह 3:1 है। फिर नीचे लिखा जीनोटाइप, क्या लिखा है जीनोटाइप, जीनोटाइप लिखा 1:2:1, जीनोटाइप का मतलब जीनी संरचना। आप नीचे देखिए जीनी संरचना यानी शुद्ध लाल जिसे लिखा गया है उसमें दोनों जीन कैसे हैं कैपिटल आ रहे हैं, और दो जो संकर लाल हैं उसमें एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 2। और एक ऐसा है सफेद रंग का शुद्ध यानी शुद्ध सफेद जिसमें दोनों ही स्मॉल आर जीन है। तो जीनी संरचना के आधार पर के जो लक्षण होते हैं उनको जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। तो जो जीनोटाइप रेशियो है वह 1:2:1 का है। तो ये है पृथक्करण का नियम, समझ में आ रहा है। तो जो पृथक्करण का नियम रहा है इसमें हमने बताया कि पृथक्करण के नियम में
कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दूसरी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, जिसमें हमने समझाया आपको कि शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले मटर के बीच में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और जब उनको उनमें स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में लाल और सफेद रंग के जो पुष्प हैं वह एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी में लाल और सफेद या कहा जाए प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में जो अनुपात आता है वह 3:1 का आता है, और यह अनुपात फीनोटाइप कहलाता है। फीनोटाइप का मतलब है कि बाहर से दिखाई पड़ने वाले लक्षणों को हम फीनोटाइप कहते हैं। जैसे लाल या सफेद रंग आपको बाहर से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वह फीनोटाइप है। तो फीनोटाइप जो रेशियो है वह 3:1 का है, और जो जीनोटाइप रेशियो है यानी जीनी संरचना को हम देखते हैं कि शुद्ध जो लाल है उसमें दोनों कैपिटल आर जीन है, और जो शुद्ध सफेद है उसमें दोनों स्मॉल आर जीन है, और जो संकर लाल है उसमें एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो जीनी संरचना जो है अलग अलग है, इसलिए जीनी संरचना का जो अनुपात आता है वह 1:2:1 का आता है। तो बच्चों, अगर ये पूछा जाए एक संकर संकरण का उदाहरण बताओ, तो आप यही वाला यानी पृथक्करण का जो नियम है यही पूरा आप जो है लिख देंगे। तो यही एक संकर संकरण का उदाहरण है, क्योंकि एक संकर संकरण के उदाहरण में बताया गया है कि जब परस्पर एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। यहाँ पर केवल एक ही जोड़े परस्पर विरोधी लक्षण को लिया गया है, और वो क्या है, पुष्प का रंग, यानी पुष्प का लाल रंग है और उसका परस्पर विरोधी क्या है, सफेद रंग है। तो लाल रंग और सफेद रंग परस्पर विरोधी लक्षण एक जोड़ी हैं, तो इसी को लेकर के ये क्रॉस कराया गया है। तो इस प्रकार का संकरण जो होता है एक संकर संकरण कहलाता है। अब है बच्चों इसी का दूसरा एग्जाम्पल कि अगर शुद्ध लंबे तने वाली मटर और शुद्ध बौने तने वाली मटर के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी की संतानें सभी लंबे तने वाली प्राप्त होती हैं, और जब इन संतानों में स्वयं परागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में लंबापन और बौनेपन का जो लक्षण है वह एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है, और वह अनुपात होता है 3:1 का। जैसे हमने आपको लाल पुष्प और सफेद पुष्प का बताया था, वैसे ही लंबापन और बौनेपन का। यहाँ भी फिनोटाइप रेशियो 3:1 होगी और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, चाहे लंबे तने या बौने तने वाला है या लाल पुष्प और सफेद पुष्प का। तो इसको भी आप देखें, दिखाई दे रहा है ये शुद्ध लंबा तना, शुद्ध बौना तना। शुद्ध लंबा को कैपिटल टी से लिखा है, रिप्रेजेंट किया गया है, और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से, मेल और फीमेल का ये साइन बनाया गया है। इनमें गैमेट बनते हैं, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इधर से दोनों आपस में मिलते हैं, तो पहली पीढ़ी की संतान कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर लाल पौधे, अरे संकर लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। और जब इस प्रथम पीढ़ी की संतानों में स्वयं परागण कराया जाता है तो आप देखेंगे कि दूसरी पीढ़ी में ये शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, संकर लंबा, संकर लंबा ये लिखा हुआ है, यानी लंबा
चाहे वो शंकर लंबा है या शुद्ध लंबा, बाहर से आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लंबा दिखाई पड़ेगा। तो लंबा और बौना के बीच का जो रेशियो है वह 3:1 का है, यानी 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है। तो यही फीनोटाइप रेशियो भी 3:1 का होता है, और जीनोटाइप रेशियो इसमें भी जो है 1:2:1 का, यानी जीनी संरचना वाला जो अनुपात है वह 1:2:1 का है। यह भी बच्चों एक संकर संकरण का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है एक संकर संकरण का उदाहरण बताइए, तो ये एग्जाम्पल आप बताएंगे, इस तरह से बना करके लिखेंगे, ठीक है। ये किताब में इस तरह से बना हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है बच्चों। गुड बाय, थैंक यू।